हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे एक मीठा रेसिपी जो कि दही से बनता है। इसका नाम है आम दही, ठीक है। बांग्ला में इसे आम दही कहा जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली लगेगा आम, और वो पका होना चाहिए। और इसका हम पल्प निकालेंगे। तो पल्प निकल चुका है और ये पेस्ट भी बन चुका है मिक्सी में, देख लीजिए बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसको एक बोल में छान लेंगे छाननी के ज़रिए। ये बहुत ही गाढ़ा है और इसे चम्मच से हिलाते रहिए, थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से समय ज़्यादा लग जाता है, मगर ये करना ज़रूरी है। नहीं तो आम में कुछ रोए रह जाते हैं। तो अगला प्रोसेस है, अब इसको हम गरम करेंगे एक पैन पे, इसे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट लगेगा। और इसे जब पकाएंगे हमेशा स्टर करते रहिएगा, हिलाते रहिए, नहीं तो नीचे चिपक सकता है। और दूसरा है कि ये थोड़ा दुबकने सा लगता है, मतलब ये उछल कूद करता रहता है। देखिए यहीं पे कितना ज़्यादा हो रहा है, तो हमेशा हिलाते रहिएगा। तो चलिए हो चुका है, अभी इसे उतार लेते हैं एक बोल में और इसे ठंडा होने रख देंगे। देख लीजिए ठंडा होने के बाद, अब दूसरी तरफ हम एक जगह पे दूध ले लेते हैं, इसे गर्म करना पड़ेगा। यहाँ तकरीबन 1 लीटर दूध है, इसमें से थोड़ा सा दूध हम अलग कर लेते हैं। इस दूध को गाढ़ा करना पड़ेगा अलग से, और ये दूध पहले से हमने एक बार उबाल के रखा है। तो आइए इसको गाढ़ा बनाने के लिए हम लोग इस पे पाउडर दूध का इस्तेमाल करेंगे, मिल्क पाउडर का। यहाँ तकरीबन 4 से 5 चम्मच है मिल्क पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसी उबलते हुए दूध में इसे डाल देंगे। और इसे थोड़ी देर तक उबालेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ा बन जाए। तो चलिए हो चुका है, दूध भी हमारा रेडी है। अभी इसमें मिलाएंगे शक्कर यानी चीनी। 1 कप चीनी यहाँ पे है, आप लोग इसे स्वाद अनुसार डालिए। जो ज़्यादा मीठा खाते हैं इससे ज़्यादा डाल सकते हैं, और जो कम खाना चाहते हैं वो कम डालिए। तो दूध कंप्लीट है, अब आते हैं अगले प्रोसेस में, जहाँ पे आप देख रहे हैं खट्टा दही है। ये 1 घंटे से हमने रख दिया था, इसका पानी निकल चुका है। देखिए हमने छालनी पे रखा था, अब ये पूरा तकरीबन बिना पानी के ही है। और यहाँ पे 100 ग्राम दही आपको मिलेगा, और इस दही को इस मिक्सर के साथ मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। ये चलिए हो चुका है, 5 मिनट लगता है इसे मिक्स करने में, हड़बड़ी मत कीजिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिए। और ये जो दूध है जब हल्का गुनगुना गर्म हो तभी इसका इस्तेमाल करें, गर्म एकदम दूध में नहीं देना है। अब इस मिक्सचर को इसमें मिला दे रहे हैं, दही और आम का जो मिक्सचर हमने बनाया था, और इसको घोल देंगे अच्छे से, और इसको भी बढ़िया से मिक्स कीजिए, अच्छे तरीके से घुल जाना चाहिए। ये हो चुका है, अब हम इसे डाल देंगे इसके प्लेस पे जहाँ पे ये बनने वाला है, मिट्टी के भांड पे। इसमें अच्छा बनता है दही, आप लोग चाहे तो कांच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कांच का बर्तन, मगर मिट्टी के बर्तन में ये ज़्यादा अच्छा बनता है।
अब इसे हम एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दे रहे हैं। अभी एक प्रोसेस बाकी है इसका। अब उसके लिए हम ले लेंगे कढ़ाई में स्टैंड और इसमें डालेंगे पानी और फिर इसके ऊपर एक थाली। चलो आ गया है थाली। अब इसको थोड़ा सा हीट कर लेते हैं, ढक के रख देते हैं। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका यूज़ करेंगे। ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है ये प्लेस। अब हम इस पे ये 2 मिट्टी के बर्तन चढ़ा देंगे दही वाला। अब इसको रख देते हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसे हम निकालेंगे। तो हो चुका है 15 मिनट। चलिए देख लेते हैं, अच्छा खासा गर्म है। सावधानी से निकालिएगा। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया होगा। जी हाँ, देख लीजिए एकदम जम चुका है दही। तो इसको हम लोगों ने 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और फ्रिज से अब निकल चुका है बाहर। देख लीजिए बहुत ही शानदार है। और मैंने थोड़ा खा के भी देखा, चख के भी देखा, बहुत ही टेस्टी है। ये वाला पूरा फ्रेश पैकेट है, पिछला वाला मैं खा चुका हूँ, वहाँ से थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लग रहा था मुझे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इसे, बहुत ही शानदार बना है। आम दही है, ये गर्मियों के मौसम में ही आप खा सकते हैं, तो यही मौका है आपके पास, गर्मियों के मौसम में खा लीजिए, बड़ा ही टेस्टी है। और इसके अलावा मैंने एक बड़े बर्तन में भी रखा था, कांच के बर्तन में। वाह, देखिए मीठा दही। ये तो कहीं हो ना हो, बंगाल में तो मीठा दही बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप लोग अगर बंगाली नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं ये रेसिपी। और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।